नमस्कार दोस्तों, तो आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे इस स्मार्टफोन का जिसका नाम है Infinix 035G। रिसेंटली इंडिया पे लॉन्च हुआ है, फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है। मतलब जो लोअर वेरिएंट उसका प्राइस है 24,000 रुपए, मेरे पास जो 24,000 वाला वेरिएंट और उसका जो येलो वाला वर्षन वही मेरे पास है। इस वीडियो में आपको इस फोन का अनबॉक्सिंग, फर्स्ट सेटअप और फर्स्ट एक्सपीरियंस में आपको दूंगा कि ये जो स्मार्टफोन कैसा है। वैसे इस फोन के साथ मैं इस iQOO Z7 Pro इसका भी मैं कंपैरिजन करूंगा और उसके साथ जो सेम प्राइस में अवेलेबल है Realme GT 2 उसका भी मैं कंपैरिजन करूंगा। तो इसलिए सभी कंपैरिजन देखने के लिए गैजेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो पहले तो हम देखेंगे इसके बॉक्स के बारे में। तो जैसे कि देख सकते हैं Infinix 030 दिखने में एग्जैक्टली ऐसा है। इस साइड में आपको मिलेगा वारंटी ओनली इन इंडिया। मतलब अगर आप इस स्मार्टफोन को बाहर के देश में, मतलब फॉर एग्जांपल बांग्लादेश में अगर आप इसे ऑर्डर देंगे तो उधर आपको इसका कोई वारंटी देखने को नहीं मिलेगा। और इस जगह भी इसका कुछ स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं। Infinix 035G 256GB वेरिएंट, इसमें आपको मिलेगा 6.78 इंच फुल HD प्लस 144Hz 10 bit कार्ड एमोलेड, 108 मेगापिक्सल का YES ट्रिपल कैमरा सेटअप, 5000mAh बैटरी, 68W का चार्जर, 256GB इसका वेरिएंट, LPDDR4X और UFS 3.1 का कॉम्बिनेशन और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। और इस स्मार्टफोन का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट यही है कि ये एक्चुअली प्राइस पॉइंट का पहला या फिर वन एंड ऑनली ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें आपको 50 MP फ्रंट कैमरा मिलेगा और उसके साथ 4K 60fps पे वीडियोग्राफी का भी ऑप्शन आपको मिलेगा। तो अभी तो हम फटाफट इसका बॉक्स ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि अंदर हमें क्या मिलेगा। तो जैसे कि देख सकते हैं ये जो Infinix 030 बॉक्स में एग्जैक्टली ऐसा है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले फोन को देख लेते। तो ये रहा Infinix 030 गोल्डन आवर वाला एडिशन। मतलब ये जो स्मार्टफोन है एक्चुअली गोल्डन कलर का है। और हाँ, एक और चीज, अगर आप इसका गोल्ड वाला एडिशन लेंगे, मतलब ए वाला एडिशन लेंगे, तो पीछे आपको ये जो ग्लास कवर आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप इसका ग्रीन वाला एडिशन लेंगे तो इसका लेदर वाला एडिशन आपको मिलेगा। वैसे मैं डेफिनेटली एक चीज कहना चाहूंगा, मुझे इसका डिजाइन बहुत ही बढ़िया लगा और सेम प्राइस वन में जो iQOO Z7 Pro अवेलेबल है इसका भी डिजाइन मुझे बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा। जैसे कि देख सकते दोनों का कैमरा कटिंग ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फिर भी दोनों का डिजाइन बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। वैसे आपको ये दोनों में से किसका डिजाइन बेटर लगा कमेंट में मुझे जरूर बताना। और अगर हम इसके बॉक्स कंटेंट के बारे में बात करें तो आपको इससे मिलेगा 68W का चार्जिंग सिस्टम, उसके साथ इसका चार्जर, और इसके साथ आपको मिलेगा इधर प्लास्टिक का केस, मतलब एकदम पतला वाला जो केस होता है ना वही आपको इसके साथ मिलेगा। और इसके साथ थीम टूल, डॉक्यूमेंटेशन, और इधर आपको जैसे इन्फिनिक्स के हर एक फोन में होता है एक स्क्रीन प्रोटेक्टर मिलेगा, लेकिन सैडली ये जो स्क्रीन प्रोटेक्टर वो एक्चुअली प्लास्टिक वाला स्क्रीन प्रोटेक्टर है, क्योंकि हो सकता है कि ये एक्चुअली कार्ड डिस्प्ले थी, इसीलिए इसके साथ जो टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर वो मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, इसीलिए ब्रांड ने इधर आपको प्लास्टिक वाला स्क्रीन प्रोटेक्टर दे दिया है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा हमेशा टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर ही इस्तेमाल कीजिए। अभी तो हम ये सब चीज को साइड में रखते और देखते जो असली चीज, मतलब स्मार्टफोन। देखिए, जब मैंने iQOO का ये जो स्मार्टफोन रिव्यू किया था, मैंने बार बार आपको कहा था अगर वैसे ग्लास पैनल वाला स्मार्टफोन इस्तेमाल करेंगे तो इसके साथ 100% ये जो बैक कवर इसे इस्तेमाल करना, वरना हाथ से फिसलने का चांस एकदम कंफर्म्ड है। और अगर हम इसके कार्ड स्लॉट की बारे में बात करें, इसमें आपको कोई भी एसडी कार्ड का स्लॉट नहीं मिलेगा, बस आपको SIM 1 SIM 2 मतलब सिम कार्ड का ही स्लॉट आपको मिलेगा। इसलिए ये चीज ध्यान में रखना, अगर आप चाहते, मतलब फोन को अगर आप ज्यादा दिन तक इस्तेमाल करना चाहते, 8 256GB इसका एनाफ है, लेकिन अगर हो पाए तो इसका जो 12 256GB उसे भी आप ले सकते। तो अभी तो हम फटाफट फोन को बूट अप कर लेते। वैसे जब तक ये जो फोन बूट होता है तो इसका जो पोर्ट्स उसके बारे में बात करते। तो फोन के नीचे आपको मिलेगा स्पीकर होल, USB Type-C, माइक, सिम कार्ड स्लॉट, इस साइड में आपको मिलेगा पावर बटन, वॉल्यूम बटन, इस साइड में कुछ भी नहीं, और ऊपर आपको सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक और उसके साथ सेकेंडरी स्पीकर होल भी आपको मिलेगा। तो अभी तो हम फटाफट इसका जो सेटअप वो कर लेते। वैसे जिन लोगों को सेटअप करना आता है वीडियो को थोड़ा स्किप करना, जिन लोगों को सेटअप करना नहीं आता है वीडियो को थोड़ा देखना। अच्छा, इधर जब तक फोन रेडी हो रहा है, मतलब गेटिंग योर फोन रेडी, तब तक हम थोड़ा सा डिजाइन का कंपैरिजन कर लेते। तो जैसे कि देख सकते iQOO Z7 Pro और Infinix 030 अगर हम ऊपर का कंपैरिजन करेंगे, ये चीज जरूर को मालूम होगा कि ब्रांड ने कहा था कि ये जो Infinix 030 प्राइस पॉइंट का सबसे पतला वाला स्मार्टफोन है। तो अगर हम ऊपर से देखते तो दोनों का जो ऊपर का थिकनेस मुझे सेम ही लगा। अगर हम इस साइड की बारे में बात करें, इधर भी मुझे दोनों का थिकनेस एग्जैक्टली सेम लगा। लेकिन इधर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, क्योंकि iQOO के जो स्मार्टफोन, इसमें हम देख सकते
ये जो इस साइड का जो मिडल का एरिया है एकदम थीन है, तो इसीलिए तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये एक्चुअली ज्यादा पतला है। लेकिन उसी जगह पर अगर हम इन्फिनिक्स के बारे में बात करें, इसके जो साइड के जो प्रोबेबली मिडल का जो एरिया, ये जो एरिया मुझे लगा आईक्यू के मुकाबले स्लाइटली ज्यादा मोटा है। तो आपसे बात करते करते इधर हमारा फोन हो चुका है बूट अप। तो अभी हम पहले देखेंगे इसका जो डिस्प्ले कैसा है, क्योंकि ऑब्वियसली यही इसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें आपको एकदम कार्ड डिस्प्ले मिलेगा। अगर हम इसके डिस्प्ले को ये जो IQ के डिस्प्ले के साथ कंपेयर करते तो दोनों का जो कार्ड मुझे एग्जैक्टली सेम लगा। वैसे अगर हम दोनों फोन के बिजल के बारे में बात करें तो मुझे तो दोनों का जो बिजल वो ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है, मुझे तो इसमें ज्यादा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला। देखिए मैं आपको एकदम पास में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, दोनों फोन का जो बिजल मतलब जो साइड का जो ब्लैक बॉर्डर, मुझे उसमें ज्यादा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा। प्रोबेबली दोनों ऑलमोस्ट सेम है। अगर इस सेट के बारे में बात करें, देखिए दोनों का तो मुझे ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है। साइड का जो बिजल नीचे भी एग्जैक्टली सेम, दोनों भी आपको मिलेगा एकदम पतला वाला साइड, और दोनों का डिस्प्ले का जो एंगल वो भी मुझे एग्जैक्टली सेम लग रहा है। देखिए अगर मैं दोनों डिस्प्ले को इस जगह पे रखता हूँ तो दोनों का ही जो कर्व वो मुझे ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है। तो फोन बूट करने के बाद जो पहला चीज हमें देखना चाहिए जो कि इसमें हमें ब्लोटवेयर मिलेगा कि नहीं। तो जैसे कि देख सकते हैं जो एक्स क्लब वगैरह ये तो इन्फिनिक्स का खुद का ऐप है, इसे हम ब्लोटवेयर नहीं कहेंगे। लेकिन जो वीजोन उसके बाद स्पॉटिफाई मतलब दो पाम स्टोर है तो इन्फिनिक्स के हर एक फोन में होता है। ये जो आहा गेम ये एक्चुअली टोटल तीन ब्लोटवेयर है। वैसे इसके अलावा और कोई भी ब्लोटवेयर आपको नहीं मिलेगा। और अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हम इस ऐप को डिसेबल नहीं कर सकते। स्पॉटिफाई इसे हम अनइंस्टॉल कर सकते हैं, और ये जो आहा गेम अगर हम इसके बारे में बात करें इसे हम अनइंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। मतलब स्पॉटिफाई को छोड़ के आपको बाकी सभी अब इसमें रखना पड़ेगा। और फोन बूट करने के बाद अगर हम इसके स्टोरेज के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें आपको मिलेगा 8 256 GB, और 256 GB के अंदर आपको मिलेगा यूज 23.84 GB, जिसके अंदर सिस्टम मेमोरी आपको मिलेगा 20.63 GB, ऐप मतलब सिस्टम ऐप आपको मिलेगा टोटल 3.5 GB के आसपास। और इधर एक चीज देख सकते हैं कि इस फोन के अंदर जब आप फोन को ऑन करेंगे तो पहले से जो 5 GB का जो वर्चुअल रैम वो आपको एक्टिवेट मिलेगा। अगर आप चाहते तो आप इसे 3 GB या फिर 8 GB में सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस वर्चुअल रैम को इसे ऑफ कर दीजिए। ऑफ करने के तुरंत बाद फोन एक बार रिस्टार्ट होगा, और रिस्टार्ट होने के बाद इसका जो एक्चुअल यूसेज जो मेमोरी वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और फोन रिस्टार्ट करने के बाद देखना इसका जो मेमोरी वो एक्चुअली थोड़ा सा बढ़ चुका है। देखिए अभी इधर क्या दिख रहा है, यूज्ड 18 GB, सिस्टम मेमोरी 15 GB। मतलब देखिए 5 GB जो वर्चुअल रैम हम इस्तेमाल कर ले वो एक्चुअली फोन का जो खुद का फिजिकल मेमोरी है वो ही हम 5 GB एक्स्ट्रा यूज कर रहे। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा 5 GB एक्स्ट्रा वर्चुअल रैम इस्तेमाल करने से बेटर ऑप्शन होगा आपके पास ज्यादा फिजिकल मेमोरी होना। तो इसलिए हमेशा जो वर्चुअल मेमोरी आप इसे ऑफ कर दीजिए। और हाँ, आप में से कुछ लोगों के मन में सवाल आ सकता है अगर हम वर्चुअल मेमोरी ऑफ करेंगे तो फोन का जो 8 GB जो रैम वो कितना एप्स को एक्स्ट्रा सपोर्ट करेगा। तो मैंने रिसेंटली बहुत बार ये चीज टेस्ट किया है, एक 8 GB वाले स्मार्टफोन के अंदर 12 बड़े साइज का ऐप आप आसानी से साइड बाय साइड इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए वर्चुअल मेमोरी इस्तेमाल करने का कोई फायदा नहीं। और नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके कैमरे के बारे में, क्योंकि नो डाउट यही इसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट होने वाला है। तो इसमें आपको मिलेगा 1.13 का DR कैमरा, 50 MP का सेल्फी। अगर हम इसके शटर स्पीड के बारे में बात करें जैसे कि देख सकते हैं शटर स्पीड इसका ठीक ठाक है। इसके रियर कैमरे में आपको अल्ट्रा वाइड मोड भी मिलेगा, तो अल्ट्रा वाइड भी जरा चेक कर लेते। देखिए ये एक्चुअली इसका 1x वाला मोड है, जैसे हम इसे करेंगे 3x हो गया। और अगर हम 0.6x पे करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका जो अल्ट्रा वाइड मोड वो काफी ज्यादा है। लेकिन हाँ एक चीज मैंने नोटिस किया, जैसे मैंने 1x से जो 0.6x इस मोड पे मैंने शिफ्ट किया तो उसके अंदर मुझे थोड़ा सा ज्यादा गैप लगा। प्रोबेबली फ्यूचर के सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन से ठीक हो जाएगा। देखिए कितना ज्यादा एक्चुअली वाइड एंगल मिल रहा है अल्ट्रावाइड मोड के जरिए। एक्चुअली ये जो बॉक्स इसके पूरा इस साइड से इस साइड तक दिख रहा है, लेकिन 1x की मदद से इस जगह तक 3x की मदद से 3 तक दिख रहा है। और अगर हम वीडियो की बारे में बात करें इसमें आपको मैक्सिमम 4K 60fps पे क्वालिटी मिलेगा। देखिए मैक्सिमम इसका कितना है 4K 60fps, जो कि नो डाउट बहुत ही बढ़िया है। और अगर हम इसके स्टेबिलाइजेशन के बारे में बात करें, देखिए स्टेबिलाइज्ड मोड जैसे अब एक्टिव करेंगे तो जो डिफॉल्ट जो रिकॉर्डिंग मोड वो हो जाएगा फुल HD 30fps पे। मेरे ख्याल से अगर इसका जो स्टेबिलाइजेशन वो 4K तक भी होता तो और भी ज्यादा बेटर रहता। लेकिन अगर हम इसके स्टेबिलाइजेशन मोड के बारे में बात करें, मुझे तो इसका स्टेबिलाइजेशन मोड ठीक ठाक ही लग रहा है। और सेम अगर हम इसके फोन के बारे में बात करें, ये एक्चुअली प्राइस पॉइंट का पहला ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें आपको 4K 60fps पे वीडियोग्राफी का भी ऑप्शन आपको मिलेगा, वो भी फ्रंट कैमरा में। जैसे कि देख सकते हैं
फ्रंट में वीडियोग्राफी का ऑप्शन, और वैसे भी फ्रंट कैमरा एक्चुअली है 50 मेगापिक्सल का। तो हम थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए मैं एग्जैक्टली ऊपर के जो लाइट इसमें फोकस करने वाला हूँ, तो कैमरा मोड देने के बाद इसमें मैंने फोकस कर लिया। देखिए अगर मैं ये जो पिक्चर इसे मैं थोड़ा सा जूम करता हूं, तो जूम करने के बाद ऊपर का ये जो लाइट के अंदर का जो बल्ब वो भी आसानी से दिख रहा है, मतलब इसका जो जूम क्वालिटी मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगा। देखिए इस मोड पे तो एग्जैक्टली साफ साफ दिख रहा है, और भी जूम करेंगे तो और भी सही मिलेगा। मतलब इसका जो 50 मेगापिक्सल कैमरा बस नाम का कैमरा नहीं है, काम भी ठीक ठाक करता है। तो यही था ये जो इन्फिनिक्स 030, इसका अनबॉक्सिंग और क्विक इंप्रेशन, मतलब पहले कुछ देर तक इस्तेमाल करने के बाद मुझे क्या चीज मालूम हुआ। तो अभी आप मुझे कम से जरूर बताना कि ये जो स्मार्टफोन आपको कैसा लगा। और पहले मैं ये चीज बोल देता हूँ, मुझे ये जो स्मार्टफोन ये जो iQOO Z7 Pro इसका परफेक्ट कॉम्पिटिटर लगा, और मैं दोनों के अंदर का जो कंपैरिजन वो मैं डेफिनेटली करूंगा। तो अभी आप मुझे कौन सा जरूर बताना कि जो इन्फिनिक्स 030 इस फोन के बारे में आपको कौन कौन सा कंपैरिजन सबसे पहले देखना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।